गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास, क्लास 11th B1, चैप्टर 2, वर्ग की एवं वर्गीकरण विज्ञान। कल हमने आपको वर्ग की एवं वर्गीकरण विज्ञान के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्गीय क्रमबद्धता के अर्थ। वर्गीय क्रमबद्धता के स्तर में वर्गीकरण के संवर्गीय इकाइयां होते हैं। उनमें जीवों के वर्गीकरण में कई इकाइयां या संवर्ग होते हैं। वर्गीकरण की मूल या प्राथमिक इकाई जाति होती है और सर्वोच्च इकाई जगत है। इन दोनों तथा सभी इकाइयों को एक आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया और इसी पदानुक्रम को वर्गीय क्रमबद्धता कहते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है जाति। स्पीशीज जाति या वर्गीकरण की मूल सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कभी कभी एक ही जाति के जीवों को अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उपजाति में बांट दिया जाता है। इसलिए ऐसे समय में उपजाति को ही छोटी इकाई माना जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। अतः जाति को ही वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। सेकेंड नंबर है वंश, जीनस या वर्गीकरण का दूसरा संवर्ग है, जिसमें समान गुणों वाले जीनों से मिलने से बनता है। एक वंश की सभी जातियों के कुछ समान गुण अवश्य पाए जाते हैं। ये गुण दूसरे वंशों में नहीं पाए जाते हैं। एक ही वंश की सभी जातियों उत्पत्ति संभवतः समान एक ही पूर्वजों से होती है, इसलिए इन्हें एक ही वंश में रखा जाता है। जैसे पंथरा, पंथरा एक ही वंश की जाति है। उसमें तीन मुख्य जातियां पाई जाती हैं, शेर, चीता, बाघ। इन तीनों जातियों में कुछ समान गुण पाए जाते हैं, जिनके कारण इन्हें एक ही वंश में रखा गया है। इन तीनों के वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित हैं: शेर पैंथरानियो, चीता पैंथरा पार्डस, बाघ पैंथरा ट्राइग्रेस। ये तीनों एक ही वंश में पाए जाते हैं। इसी के समान पौधों में भी वंश सोलेनम के अंतर्गत बैगन, आलू, मकोई आदि आते हैं। इनके वनस्पतिक नाम बैगन का है सोलेनम मेलनजीना, आलू का है सोलेनम ट्यूबरोसम, मकोई का है सोलेनम नाइग्रम और कंठेली का है सोलेनम जैंथोकार्पम। ये एक ही वंश के हैं। थर्ड नंबर कुल, फैमिली। कुल के अंतर्गत यह एक ऐसा संवर्ग है जिसमें समान गुणों वाले वंशों को रखा जाता है, जैसे शेर, बाघ, चीता। ये विभिन्न प्रकार के वंशों की बिल्लियों की कुल फैमिली में रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार कुत्तों और लोमड़ियों को एक ही कुल कैनडी में रखा गया है। इस तरह से कुल संवर्ग है जिसमें समान वर्ग के यानी समान वंशों को रखा जाता है। गण क्या है? एक या मिलते जुलते
इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। फिफ्थ नंबर वर्ग यानी क्लास। कुछ सर्वनिष्ठ गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है, जैसे प्राइमेट्स के अंतर्गत गोरिल्ला, मनुष्य, बंदर आते हैं, तथा गण कार्निवोरा जिसमें कि कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, बाघ, चीता आते हैं, और अन्य को स्तनी वर्ग में रखते हैं, क्योंकि विभिन्नताओं के बाद भी सभी स्तन ग्रंथियों में पाए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इनको समवर्ग तथा उपसमवर्ग में भी बांटा जाता है। जैसे स्तनी वर्ग को तीन वर्गों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत अंडे देने वाले जीव आते हैं और मेटाथीरिया के अंतर्गत कम विकसित बच्चे को जन्म देने वाले, और यूथीरिया के अंतर्गत पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले। इस तरह से स्तनियों को तीन उपवर्गों में बांटा गया है। शंग, फाइलम, कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखते हैं, इसे फाइलम भी कहते हैं। इसमें नोटोकार्ड, तंत्रिका रज्जु तथा क्लोमों की उपस्थिति के आधार पर इनको रखा गया है। ये वर्ग एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज तथा मैमेलिया है। सेवेंथ नंबर जगत। ये वर्गीकरण में सबसे सर्वोच्च समर्ग है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार समस्त जीवों को पांच जगत में बांटा गया है। वर्गीकरण तथा समजातता क्या है? जंतुओं के कुछ ऐसे समांतर विकास के कारण या कुछ समांतर लक्षण के कारण या कार्यों की समानता के कारण उनको देखने में एक जैसी होती है, किंतु उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। जैसे तितली, पक्षी व चमगादड़, इनकी बाहरी संरचना भिन्न है, परंतु इन तीनों में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ जीवों में ऐसे अंग हैं जिनके अंग समान हैं परंतु उनका कार्य अलग अलग है। ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है उपजाति तथा वैरायटी संवर्ग। किसी जाति के भौगोलिक कारण से समष्टि या जीवों को अलग अलग उपवर्ग में बांटा जाता है, जिन्हें उपजाति कहते हैं। प्रत्येक उपजाति की समष्टियां तथा अन्य जातियों की समष्टियां अनुवांशिक अंतर होते हैं। उपजाति व जाति में अंतर क्या है? एक ही जाति की सभी उपजातियां अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं, किंतु जातियां अलग अलग क्षेत्रों में अथवा एक ही क्षेत्र में भी वास करती हैं। विभिन्न उपजातियों के सदस्यों के बीच पाठक या जननीय विकास नहीं पाया जाता है, जब जातियों में पूर्ण रूप से जननीय पाया जाता है, यानी एक जाति के लोग अपने ही जाति के लोग से जनन कर सकते हैं, दूसरे जाति में नहीं। वर्गीकरण का महत्व। जीव विज्ञान की समस्त शाखाओं के लिए वर्गीकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हमारे लिए महत्व वाले जीवों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वर्गीकरण द्वारा कृषि, चिकित्सा एवं पराविज्ञान क्षेत्रों के ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पता चलता है कि सरल रचना वाले एक कोशिकीय प्राणियों का विकास हुआ और उनसे ही जटिल संरचना वाले एक कोशिकीय प्राणी विकसित हुए। इसी तरह बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से यानी पूर्वजों से विकसित हुए। जटिल रचना वाले बहुकोशिकीय प्राणियों का विकास सरल रचना बहुकोशिकीय जीवों से हुआ। जलीय जीवों का उद्भव जीवों के पहले हुआ और उन्हें बाद में जलचर, स्थलचर, उभयचर इस तरह से बांट दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग है जीवों का नामकरण। जीवों को नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीवों की खोज करके उनको वर्गीकरण में स्थान देकर उनका नामकरण करना ही जीवों का नामकरण कहलाता है। नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों में एक ही जीव अलग अलग देशों में जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसलिए उसका स्थानीय नाम तो बदला जा सकता है परंतु वैज्ञानिक नाम नहीं बदला जा सकता। इसीलिए वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नामकरण देना सही समझा। जैसे गौरैया पक्षी को उत्तर भारत में गौरैया, आंध्र प्रदेश में पिंचुका, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो और स्पेन में पार्डल, हॉलैंड में मुश और जापान में सुजुन के नाम से जानते हैं। इसलिए इनका वैज्ञानिक नाम किया गया क्योंकि वैज्ञानिक नाम बदला नहीं जा सकता। कैरोलस लिनियस ने 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इसका वर्णन किया। उन्होंने 4378 जंतुओं का वैज्ञानिक नाम देकर उन्हें वर्गीकृत किया। इसी तरह लिनियस ने पौधों का वर्गीकरण कर लैंगिक लक्षणों के आधार पर 24 वर्गों में विभाजित किया और इनका वर्णन जेनेरा प्लांटानेरम में किया। इस तरह से पौधों और जंतुओं को वर्गों में बांटा गया और उनका वैज्ञानिक नाम दिया गया। आपके लिए होमवर्क है, आज का टॉपिक सिर्फ यही तक। आपको वर्गीय क्रम बद्धता के स्तर का सविस्तार वर्णन करना है। आपके लिए होमवर्क है वर्गीय क्रमबद्धता के स्तर को सविस्तार वर्णन कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आपका आंसर लिखना है। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। थैंक यू।